गया था पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अब आप उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस जमा में ला रहे हैं। देश में जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला किया जाता है तो हमेशा पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदी का पानी रोकने की बात कही जाती है। वो बात अलग है कि ये मांग सिर्फ मांग ही रही और सरकारों ने इसके बारे में गंभीरता से सोचना तक जरूरी नहीं समझा। अभी हाल ही में पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर से मांग उठ गई कि भारत को सिंधु जल समझौते को तोड़कर पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोक देना चाहिए। अभी कल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कह दिया कि भारत पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने जा रहा है। हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस जमुना में ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए जमुना में पानी ही पानी है। जिस समझौते पर इतना विवाद है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है और अगर वाकई पानी रुक जाए तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? चलिए आपको वही बताते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ 1960 में चलना होगा। ये वो साल था जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें सिंधु नदी बेसिन में बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी यानी ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पूर्वी हिस्से में बहने वाली 3 नदियां सतलंज, रावी और व्यास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि पश्चिम हिस्से में बह रही सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी का इस्तेमाल भारत के लिए सीमित कर दिया गया है। संधि के मुताबिक हमारा देश पश्चिम में बहने वाली इन 3 नदियों के पानी का कुल 20% ही अपने पास रोक सकता है। अब आपके लिए यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत अपनी 6 नदियों से कुल 80% पानी पाकिस्तान भेजता है। हम चाहें तो इन नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने होंगे जिसके लिए पानी को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा भारत सिंचाई के लिए भी इन नदियों का इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि पानी को अगर रोक दिया जाए तो पानी रोकने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? पाकिस्तान भले ही भारत को तबाह करने की गिदड़ भभकी देता आया हो, लेकिन वो न जाने क्यों ये भूल जाता है कि अगर भारत सिर्फ अपने यहां से पाक जाने वाले सारे पानी को रोक दे तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। कुल 3000 किलोमीटर की लंबाई के साथ सिंधु नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। चिनाब, झेलम, सतलंज, रावी और व्यास जैसी इसकी पार्टनर नदियां सिंधु नदी से पाकिस्तान में ही मुलाकात करती हैं और फिर एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ती हैं। पाकिस्तान की 2/3 हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां आती हैं। पाकिस्तान की 2,06,00,000 एकड़ जमीन की सिंचाई इन्हीं नदियों पर निर्भर है। अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान में पीने के पानी का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। पानी रुकने से पाकिस्तान की खेती और विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती नजर आएगी। पहले से ही कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए वाकई एक बड़ा झटका होगा। अब सवाल यहाँ ये है कि भारत पानी को कैसे रोक सकता है? मौजूदा हालात में हर कोई पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकने की बात कर तो रहा है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जिसमें कई नदियों का खूब सारा पानी है जिसको रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इसको रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है, पर इसके लिए भारत को बांध और ढेर सारी नहरें बनानी पड़ेंगी जिसके लिए बहुत सारा वक्त और पैसा लगेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ लेकिन फिर भी ये संधि चलती रही। इस संधि को सहयोग के ग्लोबल मॉडल की तरह पेश किया जाता है और अगर ये टूटी तो भारत की छवि को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचता दिखाई देगा। वैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अगर पश्चिमी नदियों का पानी अपने हक के मुताबिक पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चालू कर दे और उससे बिजली बनाना शुरू करे तो उससे भी पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बाकी मोदी साहब के आने के बाद दुनिया भर में भारत पाकिस्तान के खिलाफ पर्याप्त सबूत दे ही चुका है और अगर भारत सिंधु जल संधि खत्म करने का सोचता भी है तो शायद ज्यादातर देश भारत के पक्ष में ही दिखाई देंगे। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान का पानी वास्तव में रोका जाएगा या ये भी बस एक चुनावी जुमला ही साबित होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।